पिछले 4.5-5 सालों में जो हमने महसूस किया, सिर्फ जुमले पे जुमला, जुमले पे जुमला, यही मामला आज पूरे देश में शुरू है कि जुमलेबाज सरकार सही होनी चाहिए। देश का चौकीदार चोर है, आम चौकीदार, हमारा चौकीदार चोर नहीं है, वो सही आदमी है, सही है कि बेचारे उसको बदनाम क्यों कर रहे बाबा, वो तो चौकीदार तो बेचारा गरीब है, महीने को कई बार मिलते होंगे 200-500 हजार रुपए तो मिलते होंगे, रात भर जागता है, काम करता है, उसने कुछ नहीं किया है, ये बड़े चौकीदार ने गड़बड़ की है, ये समझ लो, जिसके वजह से आज ये सब परेशानियां हमको आज जाने में दोस्तों आज दुनिया मित्रों, ये दोनों की सरकार आ गई है महाराष्ट्र में 5 साल से, शिवसेना और बीजेपी की सरकार। आपको याद दिलाना चाहता हूं, समृद्धि महामार्ग वहां पर जा रहे विदर्भ से नागपुर से मुंबई बोले 8 घंटे में जाएंगे, हमें खुशी है, कोई तकलीफ नहीं, हम तो खुश है, बोले समृद्धि महामार्ग बन रहा है, लोगों को विदर्भ को मुंबई जाने में 8-9 घंटे में पहुंचते होंगे, हमें तो इसमें दुख नहीं हंसता। पर सवाल है कि शिवसेना ने क्या बोला था, ये समृद्धि महामार्ग हम होने नहीं देंगे, बोले देखेंगे इस समृद्धि महामार्ग में किसानों की खेती जा रही है, किसानों की जमीन जा रही है, और इस समृद्धि महामार्ग को हमारा विरोध है, बोले ठीक नहीं, आज क्या बोल रहे कि समृद्धि महामार्ग को बाड़ा साहब काकिया के नाम बोल दिया, फैसला हो गया, मतलब एक तरफ 2 साल बोल रहे कि हम समृद्धि महामार्ग होने नहीं देंगे और आज बोल रहे बाड़ा साहब काकिया के नाम को, इस रास्ते को बाड़ा साहब काकिया के नाम दो, तो है कितनी विसंगति, बोलना क्या करना क्या, ये विसंगति लोगों को इसलिए मैं समझा रहा हूं, ये दोनों ही अपने एक दूसरे से मिले हुए हैं, जो मराठी में बोलते ना अतुल कीर्तन वरुण तमाशा, इसके बीच में कीर्तन चल रहा है इनके मंत्रिमंडल में, दोनों बोलते अपन दोगो भाऊ भाऊ दोगो मिलून वाटून खाऊ,